तो नमस्ते दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं JCB 3DX इको एक्सपर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और देखेंगे क्या कुछ JCB ने इस बार नया और क्या कुछ चेंज किया है। चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए, 4 मीटर तक ये डंप कर सकता है ऊपर से, वो यहाँ पे लिखा है। बाकी इसके अंदर 4 व्हील ड्राइव दिया है, 6 इन बकेट है। ये ऑप्शनल होता है, काफ़ी बार आपको ज़रूरत है हो है तभी आप उसे ले सकते हैं, या फिर आपका पैसा भी बचा सकते हैं। ये फिर 4 व्हील ड्राइव है। कुछ कंपनियां ने वहाँ पे 5 5 स्टड दिए हैं, हालांकि क्योंकि टायर का साइज़ बड़ा है, लेकिन JCB ने यहाँ पे आगे 5 स्टड दिए हैं जो व्हील में आते हैं वो। बाकी यहाँ पे डीजल टैंक है, थोड़ा सा शेप चेंज किया है, बाकी वैसे ही सब कुछ। यहाँ पे फ्यूल लेवल सेंसर है, जो हमें अंदर फ्यूल का जो कितना फ्यूल है, कितना कम ज़्यादा है वो दिक्कत है। बाकी देखिए इंजन, ये BS4 ही है, JCB का इंजन आता है इसमें। ये फ्यूल फिल्टर यहाँ पे दिया है, ये हाइड्रोलिक पंप यहाँ पे दिया है। अभी पुराने इसमें कैसा था, जो हमारे ट्रांसमिशन का जॉइंट था उसके ऊपर था, तो इसमें नहीं ऐसा नहीं किया है, यहाँ पे दिया है। पंप अलग है और वहाँ पे इंजन की इंफॉर्मेशन भी लिखी। देखिए आइडल RPM इसका 850, डिस्प्लेसमेंट जो है 4.4L का है, ठीक है। ये बाकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। बाकी यहाँ से देखते हैं, AC कैबिन है, ठीक है। इसको खोल नहीं पाएंगे, अंदर आप देख सकते हैं AC के वेंट्स, ठीक है। साइड में भी वेंट्स है, अंदर भी वेंट्स है। बाकी टायर जो है सेम आता है, ये इंडस्ट्रियल टायर है, ठीक है। इसके लिए 10 जो नट बोल्ट दिए हैं, ये अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे डिस्क की लाइफ बढ़ जाती है। बाकी स्टेबलाइजर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, जैसे पुराना था वैसा ही है। पीछे आते हैं थोड़ा, देखो यहाँ पे एक बात आपको चेंज होते हुए नजर आएगी, वो क्या है, KPC में ध्यान से देखिए आप। KPC में जो 6 होज है पुराने जैसा ही है, लेकिन नीचे के दो जो होज है आपको, क्योंकि इसका जो डिपर है वो एक्सटेंड होता है, तो उसमें चेंजेस किया है, ठीक है। तो वो एक चेंज है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। वॉल ब्लॉक में भी चेंज आ चुका है, ठीक है। जो वॉल ब्लॉक थोड़ा सा अलग है, अलग अलग सेक्शन आप इसके वहाँ से देखेंगे तो अलग अलग सेक्शन आप उसके निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। बाकी बूम का डिज़ाइन लगभग सेम है। डिपर में देखिए, डिपर में काफ़ी चेंज है, 1 मीटर तक वहाँ लिखा भी है, इसको आप लंबा कर सकते हैं, उसका लीवर अंदर है, ठीक है। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है लंबा करने की बकेट को थोड़ा, तो ये एक ऑप्शन है। और लंबा करने के लिए एक लीवर दिया है, देखो वॉल ब्लॉक को ही देखो, वहाँ पे लीवर दिया है, ठीक है, वहाँ से ऑपरेट होता है वो। यहाँ पे CEV स्टेज BS4 ही लिखा है, तो ये BS4 ही है अभी तक, BS5 नहीं आया है इसमें। यहाँ बाकी हाइड्रोलिक टैंक है, यहाँ से आप ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं। इसके अंदर फ्यूल फिल्टर दिया है, ठीक है, इसके अंदर। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, BS4 में पहले से ही है। बाकी यहाँ पे फिर लिप सिलेंडर का सब कुछ सेम है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे इंजन ऑयल फिल्टर, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन है, देखिए इंजन का एयर फिल्टर ऊपर है। ये BS4 इंजन है, तो ये कुछ अलग दिखेगा आपको, बाकी सब सेम है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों, इसके अप्रॉक्स 35 लैक्स प्राइस है, और भी कुछ डिस्काउंट। 4 व्हील ड्राइव की नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओनली नो जो नॉर्मल मॉडल आता है उसकी 35 लाख प्राइस है। 4 व्हील ड्राइव 6 इन बकेट अगर लेते हैं तो लगभग लगभग 40 लाख के आगे प्राइस जाता है इसका। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।